for Miliki. I have completed my HCS from Morita College in the year 2019. I have four family members in our family: my father, my mother, and my sister. My father name is Mr. Dulesar Gogoi. He is a farmer, and my mother name is Mrs. Priyalata Gogoi. She is a teacher and social worker. My sister now is studying in Nepal. Describe yourself, your personality. Sir, I am actually easily familiar with any environment, sir. I am control my environment, and I am easily making friends, sir. What's your short-term goal? Sir, my short-term goal is now preparing for an interview and finding a job, sir. What's your long-term goal? Sir, my long-term goal is becoming a successful businessman. How do you handle the pressure? Sir, when I am in pressure, then I try to stay cool and calm. Why, sir, we hire you for this company? Sir, because I am easily make friends and I am control my environment. And I am workaholic, sir, actually, and hard work lover. Then I think I am suitable for this job, sir. Every monsoon there is an annual flood in Dhemaji, because Dhemaji is a flood area. What is the main problem of Dhemaji? Sir, I think flood is annual flood. सर, जब मैं एक बिजनेस इस्टेब्लिश करूँगा तब मुझे लगता है कि मुझे जो मैं अभी प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, अगर मुझे मिल जाए तो इस एक्सपीरियंस से मैं अपने बिजनेस में बहुत तरक्की कर सकता हूँ. बिकॉज मुझे पता है कि अगर मैं पहले कस्टमर के साथ पहले जब मैं जॉब मिलेगा तो मुझे बहुत सारे कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करने को मिलेगा, तो तब मुझे पता चलेगा कि कौन से कस्टमर को कैसे हैंडल करना है, कौन से कस्टमर को क्या क्या चीज़ चाहिए और एसोसिएट को कैसे ट्रेन करना है. मुझे शायद इन सबसे मुझे सीख मिलेगा तो मैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाऊंगा. अच्छा, ये तो हो गया आपके फायदे से. आपका जो बिजनेस होने का सपना है उसमें आपका लास्ट में ये एक्सपीरियंस काम है, लेकिन हम अभी जो आपको सिलेक्ट करेंगे हमारे जो अभी जॉब लोग हैं, तो हम आपको लेने से मतलब हमारे क्या फ़ायदा होगा, वो करेगा अभी क्या फ़ायदा होगा, जिससे कि हम आपको अभी सिलेक्ट कर सकते हैं. सर, अगर मुझे आप लेते हैं तो मैं आपको ये कॉन्फिडेंटली बता सकता हूँ कि आप लोगों के स्टोर के बारे में, स्टोर को मैं मतलब रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मैं कस्टमर के साथ इजीली इंटरेक्ट कर सकता हूँ, और मैं आप लोगों की मतलब प्रोडक्ट को मैं सेल को मैक्सिमाइज कर सकता हूँ. सर, नवजीत गोगोई. यस. पहले खुद को पहचानना होगा ना. सर, खुद को पहचानने के लिए अभी मुझे लगता है कि पहले एक जॉब ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अगर जॉब होता है तो अगर मैं किसी काम में बिजी रहूँगा ना तो मैं दूसरे के सामने मैं खुद को मतलब मैं कौन हूँ ये बता सकूँगा. अगर मैं किसी काम में
तुम इसी के लिए कर रहे हो और खुद को पहचान ना भी तुम खुद का पहचान बना सकते हो। तो पहले खुद को पहचानना जरूरी है। जो भी मतलब तो यही मीनिंग नहीं करता है कि तुम उसी से तुम्हारा पहचान बन रहे हो। तुम्हें क्या पसंद है पहले खुद को, ये क्या तुम्हें पसंद है, क्या तुम्हें करना आता है, ये तुम्हें खुद को पहचान है, उसके बाद ही तुम्हारा पहचान बन सकता है। पहले ये क्लियर करना है कि तुम कौन हो, ये क्लियर करने का पैसा नहीं आता। और नवोजित इसका कुछ मीनिंग सर, नवोजित का मतलब एक नया जीत होता है, नवो का मतलब नया, जीत का मतलब विक्ट्री होता है, नवोजित मीन्स न्यू विक्ट्री। लास्ट फाइव लास्ट मूवी सर मैं सुरेश मतलब बताना चाहूँ तो मैं अगर किसी काम में एक्सपर्ट मतलब अच्छे से मैं परफॉर्मेंस देता रहूँगा ना तो मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मुझे मेरे काम के हिसाब से मुझे प्रमोशन देगा। अदरवाइज मैं अगर बोले कि मुझे मैनेजर अगर मैं काम अगर तो शायद ऑर्गेनाइजेशन मुझे उस पोस्ट में नहीं देंगे सर। तो तुम्हें पता है कि तुम्हें वहाँ तक पहुँचना है तो तुम्हें काम करना है। जी सर। तो तुम्हारा टारगेट तो होना होगा ना, मुझे वहाँ तक पहुँचना है तो उसके लिए मुझे अभी से काम करना है। जी सर। ठीक है। जी सर। तो किसी के फेवर में मत देखो, खुद का काम ढंग से कर जाओ, इफेक्टिवली करो, तभी तुम पोजिशन मिल सकता है, तुम उस कंपनी के लिए उस स्टोर के लिए इम्पोर्टेंट मेंबर बन सकते हो। ठीक है।